क्षेत्र के घमापुर स्थित धान के खेत में मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव लोगों ने देखा। युवक की शिनाख्त घमापुर निवासी दिलीप पटेल नामक 28 वर्षीय युवक के रूप में हुई। लाश मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच में जुट गई। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने युवक के बारे में परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ किया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धर्म अध्यात्म और सांस्कृतिक की नगरी काशी पुरातन काया के साथ जब आधुनिक स्वरूप में आने लगी तो लोग यहां प्रॉपर्टी में निवेश करने लगे। कोई आशियाने बनाना चाह रहा है तो कोई लोग हॉस्पिटलिटी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। वहीं उद्योग धंधों के लिए भी लोग भूमि आदि में निवेश कर रहे हैं। 2018 के मुकाबले वित्तीय सत्र 2022-23 में भूमि रजिस्ट्री से स्टाम्प शुल्क के रूप में 54% से अधिक राजस्व की वृद्धि हुई है। काशी समेत पूर्वांचल में विकास के नए आयाम बने तो काशी में व्यापार के नए अवसर दिखने लगे। इसका परिणाम पूर्वांचल में व्यापार के बढ़ते ग्राफ से साफ दिखने लगा है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बुधवार की रात छात्रों स्टाफ कर्मियों में धक्का मुक्की हुई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए लंका थाने में 100 अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छात्रों के बवाल की वजह से ट्रॉमा सेंटर में लगभग 2 घंटे चिकित्सीय कार्य बाधित रहा। छात्रों की संख्या को देखते हुए स्टाफ कर्मी व चिकित्सक भाग खड़े हुए। इससे मरीजों व तीमारदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह छात्रों को बाहर निकाला था। गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर मंगलवार की सुबह 64.15 मीटर पर था। जलस्तर में वृद्धि के साथ ही NDRF और जल पुलिस की टीम अलर्ट हो गई। नौका संचालन की निगरानी की जा रही है। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए आगाह किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा में चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। ऐसे में जलस्तर खतरे के बिंदु से लगभग 7 मीटर नीचे है। शहर दक्षिणी विधानसभा में पिपलानी कटरा कबीरचौरा स्थित जूनियर स्कूल में भी अब बच्चों को स्मार्ट स्कूल पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। उक्त क्रम में परिसर में नवीन भवन का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका शिलान्यास मंगलवार को पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। पूर्व में भी दक्षिण विधानसभा में 2 अन्य विद्यालय मछोदरी स्मार्ट स्कूल तथा राजघाट विद्यालय को स्मार्ट स्कूल में विकसित किया गया है। दक्षिणी विधानसभा का यह 3रा विद्यालय होगा जहाँ स्मार्ट स्कूलिंग के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ट्यूमर बीमारी से जूझ रही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा ने काशी का नाम विश्व स्तर पर बढ़ाया है। BHU के दृश्य कला संकाय की छात्रा प्रीति कुमार ने 581 बार राम लिखकर भगवान श्री राम और माता सीता की पेंटिंग तैयार किया। इस आकर्षित पेंटिंग को 11 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तैयार होने पर प्रीति कुमारी ने अपना नाम हार्वर्ड विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। भगवान श्री राम और माता सीता की 24x28 इंच की पेंटिंग को काफी सराहा जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया। भरोसा दिलाया कि सभी के सहयोग से विश्वविद्यालय को नई पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर शर्मा सोमवार को ही सपरिवार काशी पहुंचे थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में प्राचीन विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवा देना परम सौभाग्य है। लगभग 225 वर्षों का अपना गौरवपूर्ण इतिहास लेकर के चली आ रही भारतीय विद्याओं की मानक संस्था ये है। इस संस्था में योग्य अधिकारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं और बहुत विद्वान आचार्य हैं। सबके सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, क्योंकि यहाँ सामर्थ्य की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है। हमको केवल उस सारे सामर्थ्य को संजो कर के इस विश्वविद्यालय के उत्कर्ष के लिए उसका उपयोग करना है। इतना हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के संभूय समुत्थान के भाव से इस संस्था में कुछ नया कर पाए, जो रचनात्मक हो, सकारात्मक हो। मंगलवार को चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी मारकंडे महादेव पीपा पुल के पास राजमहल राजरानी क्रूज पहुंचा, जहां सैलानी उतरकर गांव घूमे और गांव का खुशनुमा वातावरण को देखकर खुश हुए। बता दें कि पटना से चलकर वाराणसी के लिए 17 सैलानी को लेकर आज रहा राजरानी क्रूज मंगलवार को सुबह कैथी स्थित मारकंडे महादेव घाट पर 30 मिनट के लिए रुका, जहां चालक दल ने कैथी में कुछ देर के लिए क्रूज को रोका, जहां विदेशी सैलानी गंगा किनारे पहुंचकर वहां की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सभी सैलानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जगह जगह खोला जा रहा है, ताकि लोगों को सस्ती दर पर दवा अच्छी क्वालिटी की मिल सके। इसी क्रम में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी S. राजलिंगम पहुंचे। उन्होंने इसका उद्घाटन फीता काट कर किया।
जैसा कि आप जानते हैं, जन औषधि केंद्र से जो आम पब्लिक यहाँ पे आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो जो दवा उनको मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, वो यहाँ पे बहुत सस्ते दर पे मिल जाएगा, जिससे उनके जो आर्थिक बोझ एक पड़ता है जब मरीज़ यहाँ पे लेके आते हैं, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसमें मैं डॉक्टर गुप्ता को बधाई देता हूँ, उन्होंने अपने इंटरेस्ट लेके इसको प्रारंभ किया, और उनके पूरे टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। सर, यहाँ पे लगभग कितनी दवा उपलब्ध हो जाएगी मरीजों को? नहीं, वो लिस्ट तो हॉस्पिटल के पास रहेगा, अभी शुरुआती स्टेज है, जो बाहर से लेना पड़ता है धीरे धीरे, जो क्योंकि एक ये डिमांड क्या है उसके बेसिस पे फिर एड ऑन होता रहेगा, एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। सर, टाइमिंग क्या है? 8 से 8 टाइमिंग आपके 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। डॉक्टर साहब, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग के लिए काशी में पूजा पाठ व हवन अनुष्ठान का दौर शुरू हो गया है। सुदामा कुटी आश्रम में साधु संतों ने हवन कर महादेव से चंद्रयान की सफलता की कामना की। वहीं मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसके अलावा वाराणसी के 80 घाट पर जय माँ गंगा सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले गंगा आरती में 1001 दीप जलाकर माँ गंगा से प्रार्थना की गई। 5 अर्चकों ने मां गंगा की विशेष आरती की। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर भी मां गंगा की विशेष आरती की गई। गंगा सेवानी थी, आज की आरती क्या विशेष थी? देखिए, जो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवानी थी द्वारा भगवती मां गंगा की जो प्रातः और सायंकाल जो दैनिक आरती होती है, उसी क्रम में आज जो आरती थी वो जो चंद्रयान 3 जो है वो जो गया है वो जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी हम लोग भगवती माँ गंगा से प्रार्थना किए थे उसके सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए, और कल जो है वो अपने मिशन के तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी तक सफलतापूर्वक बढ़ता चला जा रहा है, और कल जो है वो उसका लैंड करने का वो है, तो उसी के लिए हम लोग भगवती माँ गंगा से बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी मिशन है इसरो द्वारा ये सफलतापूर्वक सम्पन्न हो। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहां मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीय और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।